हेलो गाइस, वेलकम टू लॉ टाइम। सो टुडे इन दिस वीडियो आई विल टीच यू अबाउट चैप्टर सेकंड, जो कि बात करता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ क्रिमिनल कोड्स एंड उसके ऑफेंसेस के बारे में, जो सेक्शन 6 से 25A तक दे रखा है। सेक्शन 6 क्या बोलता है? ये बात करता है क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोड्स की, मतलब ये कि कौन कौन सी क्रिमिनल कोड्स होगी उनके क्लासेस के बारे में। तो यहाँ पर चार इंपॉर्टेंट है: कोर्ट ऑफ सेशन, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास और एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट। हाई कोर्ट भी क्रिमिनल कोर्ट ही होता है, और ऐसे कोई भी कोर्ट जो भी कोर्ट लॉ के द्वारा कॉन्स्टिट्यूट हुए हैं वो भी क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोर्ट में आएंगे। अब बात करते हैं सेक्शन 7 की, जो कि बात करता है टेरिटोरियल डिवीजन के बारे में। तो इसमें बोला है कि हर स्टेट में एक सेशन डिवीजन होगा और हर सेशन डिवीजन में डिस्ट्रिक्ट होगा, ये इसमें बोला है। और इसमें जो भी अल्टरेशन की लिमिट होगी भले डिवीजन को बढ़ाने की या डिस्ट्रिक्ट को बढ़ाने की, तो ये स्टेट गवर्नमेंट को कंसल्टेशन करना होगा हाई कोर्ट से, उसके बाद ये लिमिट को अल्टर कर सकते हैं। फिर है सेक्शन 8। सेक्शन 8 बात करता है मेट्रोपॉलिटन एरिया के बारे में। मेट्रोपॉलिटन एरिया वो होते हैं जहाँ पर पॉपुलेशन 1 मिलियन से एक्सीड कर जाती है। अब अभी कौन कौन सी मेट्रोपॉलिटन एरिया है? बॉम्बे, कोलकाता, मद्रास और अहमदाबाद। अब बात करते हैं सेक्शन 9 की, जो कि बात करता है कोर्ट ऑफ सेशन के बारे में। कोर्ट ऑफ सेशन क्या होता है? तो फर्स्ट इसमें बोला है द स्टेट गवर्नमेंट शैल एस्टैब्लिश अ कोर्ट ऑफ सेशन फॉर एवरी सेशन डिवीजन। स्टेट गवर्नमेंट एस्टैब्लिश करेगा और उस कोर्ट ऑफ सेशन में जज होंगे जो कि हाई कोर्ट अपॉइंट करेगी, और हाई कोर्ट एडिशनल सेशन जज को भी अपॉइंट कर सकती है और असिस्टेंट सेशन जज को भी अपॉइंट कर सकती है उस जुडिक्शन में काम करने के लिए। अगर सेशन जज की जो प्लेस है, ऑफिस है, जो वैकेंट है और किसी कारण से वो काम नहीं कर पा रहा है, पेंडिंग वर्क है, तो क्या होगा? एडिशनल और असिस्टेंट सेशन जज उसके बिहाफ पे काम कर सकते हैं जो भी पेंडिंग है। बट अगर ये दोनों भी नहीं है तो CJM इनका काम देख सकते हैं। अब ये लोग बैठेंगे कहाँ? तो ये हाई कोर्ट डिसाइड करेगा कि इनकी सिटिंग कहाँ होगी कोर्ट ऑफ सेशन की। और किसी किसी सर्कमस्टेंसेज, मतलब स्पेशल सर्कमस्टेंसेज में, ये सेशन डिवीजन की कंसेंट से, मतलब प्रोसिक्यूशन और अक्यूज दोनों की परमिशन से, कहीं और भी सिटिंग कर सकते हैं, ये सेक्शन 9 बोलता है। अब सेक्शन 10 बात करता है सबॉर्डिनेशन ऑफ असिस्टेंट सेशन जज की। तो इसमें बोला है कि जो सेशन जज उसके जो सबॉर्डिनेशन में होंगे वो कौन होंगे? असिस्टेंट सेशन जज होंगे, और सेशन जज टाइम टू टाइम रूल बनाएगा इन लोगों के लिए, मतलब उसके सबॉर्डिनेशन में जो भी काम कर रहे होंगे उनके लिए। अगर सेशन जज नहीं है तो उसके बिहाफ पे अगर कुछ अर्जेंट एप्लीकेशन, कुछ भी डिस्पोजल करने हैं, तो एडिशनल और असिस्टेंट सेशन जज काम कर सकते हैं, और अगर ये दोनों भी नहीं है तो CJM कर सकता है, जैसे कि हमने प्रीवियस सेक्शन में पढ़ा था। अब है सेक्शन 11, जो कि बात करता है कोर्ट ऑफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट की। तो हर डिस्ट्रिक्ट में जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास होगा, सेकंड क्लास होगा, और ये कौन बताएगा? स्टेट गवर्नमेंट में आफ्टर कंसल्टेशन विद हाई कोर्ट। अब इसमें ये भी बोला है कि प्रोविजो बताया कि स्टेट गवर्नमेंट में आफ्टर कंसल्टेशन विद हाई कोर्ट एस्टैब्लिश फॉर एनी लोकल एरिया वन और मोर स्पेशल कोर्ट ऑफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास और सेकेंड क्लास, ट्राई एनी पर्टिकुलर केस और पर्टिकुलर क्लासेस ऑफ केस। मतलब इनकी कंसल्टेशन से स्टेट गवर्नमेंट में आफ्टर कंसल्टेशन विद हाई कोर्ट स्पेशल कोर्ट्स बना सकते हैं जुडिशियल मैजिस्ट्रेट की फर्स्ट क्लास के भी, सेकंड क्लास के भी, और ये भी बता सकते हैं कि कौन से पर्टिकुलर केस इनको ट्राई करने हैं या फिर कौन से क्लासेस ऑफ केसेस इनको ट्राई करने हैं। वेयर एनी सच स्पेशल कोर्ट इज एस्टैब्लिश, नो अदर कोर्ट ऑफ मैजिस्ट्रेट इन लोकल एरिया शैल हैव जुरिडिक्शन टू ट्राई एनी केस और क्लास ऑफ केस फॉर दी ट्रायल ऑफ सच स्पेशल कोर्ट ऑफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट हैज बीन एस्टैब्लिश। अगर एक स्पेशल कोर्ट बन चुका है तो वहां पर कोई और मैजिस्ट्रेट को जुडिक्शन नहीं होगा ट्रायल करने के लिए, जिसको अपॉइंट किया गया है वही कर सकता है। अब इस कोर्ट में जो भी प्रिसाइडिंग ऑफिसर होंगे वो हाईकोर्ट अपॉइंट करेगी, और द हाईकोर्ट में वेन एवर इट अपियर टू बी एक्सपेंडिएट और नेसेसरी कन्फर द पावर ऑफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास और सेकेंड क्लास। मतलब ये कि हाईकोर्ट क्या कर सकता है, इन दोनों की जो पावर है वो एज ए सिविल कोर्ट में जो जज होता है, सिविल जज, उनके बिहाफ पे भी ये वो काम कर सकते हैं। सेक्शन 12 बात करता है चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट एंड एडिशनल चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। तो हाई कोर्ट कोई भी जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट बना सकता है, और एक जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को एडिशनल चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट भी बना सकता है, और उसको सारी पावर दी जाएगी जो भी इस कोर्ट में दे रखी है या किसी और कोर्ट में जो किसी CJM को दी जानी चाहिए, वो पावर भी उसको मिलेगी। इवन हाई कोर्ट जुडिशियल मैजिस्ट्रेट को सब डिवीजन में सब डिविजनल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट भी बना सकता है, और बाकी जो उसकी करंट जो भी पावर्स होगी उससे उसको रिलीव कर सकता है और उसकी पावर उसको दे सकता है। सेक्शन 13 स्पेशल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। अब हाई कोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट की रिक्वेस्ट पे एक स्पेशल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट अपॉइंट करेगा
कोई पर्टिकुलर क्लासेस के लिए या फिर पर्टिकुलर क्लासेस ऑफ केसेस के लिए है। अब इसमें जो भी अपॉइंट होगा उसकी क्वालिफिकेशन क्या होगी, कि वो जो स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट है उसने कोई गवर्नमेंट पोस्ट होल्ड करी हो, या फिर उसको लीगल अफेयर में अच्छा एक्सपीरियंस होना चाहिए, जो भी हाई कोर्ट स्पेसिफाई करेगी कि किस में होना चाहिए, मतलब लीगल अफेयर्स में। और स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो होगा उनका जो अपॉइंटमेंट होगा वो 1 साल से ज़्यादा के लिए नहीं अपॉइंट होंगे, हाई कोर्ट में बाय जनरल और स्पेशल ऑर्डर डायरेक्ट करेगी। द हाई कोर्ट में एम्पावर स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट टू एक्सरसाइज द पावर ऑफ अ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट इन रिलेशन टू एनी मेट्रोपोलिटन एरिया आउटसाइड दिस लोकल जुडिक्शन। और हाई कोर्ट ये भी एम्पावर करती है स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट को कि वो मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट की भी पावर को एक्सरसाइज कर सकता है, भले ही उसके जुडिक्शन में वो नहीं आती हो, आउटसाइड जुडिक्शन में आती हो। तो अब इस वीडियो को एंड करते हैं, बट इस वीडियो को एंड करने से पहले मैं हायरार्की ऑफ जजेस आपको समझाती हूँ कि सबसे पहले आता है सेशन जज और डिस्ट्रिक्ट जज, फिर आता है असिस्टेंट सेशन जज और एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज, देन आता है जुडिशियल मैजिस्ट्रेट और सिविल में सिविल जज हो जाएगा, देन आता है CJM डेट मीन्स चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, देन आता है जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास एंड देन एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट। इससे क्या होगा ना, अभी हमने जितने भी सेक्शन पढ़े आपको पता चल जाएगा कि कौन किसका सबऑर्डिनेशन होता है और कौन किसके नीचे आता है। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, डू लाइक कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलना।